हेलो इंडिया, प्यारे देशवासियों को मेरा अभिनंदन। मेरा नाम डॉक्टर पुनीत गोयल है और मेरे यूट्यूब चैनल ए टू जेड करियर्स जीके ट्रिक्स में आपका स्वागत है। ए टू जेड करियर्स यूपी पीजीटी की इंग्लिश लिटरेचर की तैयारी, इंग्लिश ग्रामर की तैयारी, सिंपल सा नाम है, इसे सब्सक्राइब जरूर कर लें। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ नाउन के मैस्कुलिन से फेमिनिन बनाना, यानी मेल का फीमेल क्या बनेगा वो मैं आपको बताऊंगा, और जो एग्जाम में आते हैं उन्हीं को डिस्कस करेंगे हम यहाँ पे। तो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले देखो, बॉय का गर्ल होता है, सबको पता है। लोयन का लोयनेस होता है, ई डबल एस लगता है। ऑथर, ऑथर होता है लेखक, तो ऑथर का पूछा जा सकता है, क्योंकि इंग्लिश लिटरेचर की बात करते हैं तो उसमें ऑथर आता है, तो ऑथरेस हो जाएगा, ई डबल एस लग जाएगा। हीरो का हीरोइन हो जाएगा। क्या रूल है, किस तरह से है, कुछ तो आपको पता ही होगा। सिंपली बदल देते हैं, डिफरेंट वर्ड होते हैं, ई डबल एस लगा के बनते हैं, या कंप्लीट डिफरेंट वर्ड होते हैं। तो डिफरेंट वर्ड वाले मैं आपको यहां बताने वाला हूं, जो डिफरेंट वर्ड वाले होते हैं, ठीक है। तो बुक, पेन, रूम, ट्री, ये न्यूटर जेंडर होते हैं, इनका मेल और फीमेल नहीं बनता। बुक, पेन, लैंप, कैमरा, रूम, ट्री, है ना, इनके मेल फीमेल नहीं बनते ऑब्जेक्ट्स के। कोक, स्पैरो, स्पैरो एक चिड़िया, यानी चिड़ा, यानी गोरैया चिड़िया और गोरैया चिड़ा, तो हैन स्पैरो और कोक स्पैरो होता है, यह भी पूछा जा सकता है, लैटिन भाषा का शब्द है। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूं जो डिफरेंट वर्ड है वो आपको याद करना है। बैचलर मीन्स होता है कुआरा, और स्पिंस्टर होती है कुआरी, इसे मेड भी बोलते हैं, जैसे मेड हम बोलते हैं जो हमारे घरों में काम करते हैं, उसे मेड बोलते हैं। बैचलर कुआरा, स्पिंस्टर कुआरी। बुलक, बुलक मीन्स बछड़ा, बुलक मीन्स बछड़ा। हीफर मीन्स बछिया, एच ई आई एफ ई आर, बुलक और हीफर। बुल यानी कि ऑक्स और काऊ, ये तो पता ही है। बक का डो होता है, याद रखिएगा, बी यू सी के, बक। बक हिरन होता है, इसका होगा डो, डी ओ ई, ये पूछे जाने की पूरी संभावना है। कोक का हैन है, सबको पता है। कोल्ट का फ्ली होता है, देखो कोल्ट का फ्ली, और हॉर्स अगर पूछ ले तो इसका होता है मेयर। कोल्ट मीन्स होता है घोड़े का बच्चा, और फ्ली होता है घोड़े की बच्ची, और हॉर्स होता है घोड़ा, और मेयर होती है घोड़ी, याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पिछले एग्जाम में पूछा जा चुका है। डॉग का, ये तो बहुत बार हम सुनते ही हैं, बिच, है ना, डॉग का बिच। ड्रेक का डक, डक जो है फीमेल है, जबकि इसका मेल होता है ड्रेक, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा जाता है। डक का मेल क्या होगा, भाई डक तो अपने आप में मेल लगता है, डक का मेल ड्रेक होगा। ड्रोन, आपने सुना होगा ड्रोन से निगरानी कर रहे हैं, ये ड्रोन शब्द कहां से लिया गया है। ड्रोन होता है मधुमक्खा, यानी जो मधुमक्खी होती है बी, उसका मेल होता है ड्रोन, डी आर ओ एन। अर्ल, अर्ल होता है सामंत, सामंत मीन्स राजा का मंत्री, इसकी जो फीमेल होता है वो था काउंटेस। फादर का मदर, दुनिया भर को पता है, पापा का मामा, ये सबको पता है। गेंडर का गूज, याद रखे गूज, गेंडर मीन्स स्वान, हंस, और गूज हंसनी। जेंटलमैन का जेंटल लेडी नहीं होता, याद रखना, जेंटलमैन और जेंटल लेडी नहीं बोलते, क्या बोलते हैं, लेडीज एंड जेंटलमैन, ठीक है, तो जेंटलमैन का लेडी। हार्ट, हार्ट का रो है, आर ओ ई, ये भी हिरन की एक प्रजाति होती है, देखो अभी मैंने आपको बताया था। बक का डो है, बक का डो है, इसी तरह हार्ट का, एच ए आर टी, एच ई आर टी नहीं, एच ए आर टी, हार्ट का रो होगा। हस्बैंड का सबको पता है, किंग का सबको पता है, लॉर्ड का लेडी, लैंड लॉर्ड, लैंड लेडी, मकान मालिक, मकान मालकिन, लैंड भी लग जाता है इससे पहले, लैंड लॉर्ड, लैंड लेडी। मैन का वुमन, ये तो दुनिया भर को पता है, सबको पता है। नेफ्यू का नीस, एन आई ई सी ई, भतीजा भतीजी, भांजा भांजी, नेफ्यू का नीस। पापा का मामा, सबको पता, रैम, एक बार आया भाई जब मैंने बताया तो पूछा भाई राम का जो है फीमेल बताओ, तो बच्चे बोले चिल्ला के जी सीता, अरे भाई सीता नहीं है ये, राम का सीता नहीं होता।
रैम होता है, रामी या रैम, रैम मीन्स सीप, भेड़ा, इव, ई डब्ल्यू ई, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, जितने इंपॉर्टेंट है वो बता रहा हूं। सर का मैडम, ये तो पता है सर और मैडम। मोंक, मोंक का होता है नंग, फ्रायर भी बोलते हैं उसको, साधु। मोंक, मोंक वैसे बुद्ध, तो बौद्ध धर्म के साधु उन्हें मोंक बोलते हैं। नन चर्च में बोला जाता है, लेकिन मोंक का नन ही है। सन का जो होता है सबको पता, स्टैग, स्टैग, स्टैग का होता हिंड। तो देखो बक का डो, ये तीन याद कर लो, बक का डो, हार्ट का रो, बक डो हार्ट रो, बक दो याद कर लो, बक दो भाई, बक दे जो बकना बक दे, हार्ट रो, हार्ट रो रहा है, ये हिरन की बात है, बक डो हार्ट रो, और स्टैग हिंद, स्टैग हिंद, स्टैग जो मिलती है वो हिंदुस्तान में मिलती है और हिंदुस्तानी लोग इसे पसंद करते हैं। समझ गए होंगे मैं किसकी बात कर रहा हूं, है ना, कोरोना काल में बहुत बिकी है स्टैग हिंड, याद करने के लिए सीमित है, बाकी किसी चीज के लिए नहीं, है ना। अंकल का आंटी या आंट, ये तो पता ही आपको, तो ये तो याद हो गए होंगे ना। देखो हिरन वाले, बक दो पक दे भाई, बक दो, हार्ट रो, हार्ट रोने लगा, हार्ट रो, और स्टैग हिंद, स्टैग हिंद, एच आई एन डी, स्टैग हिंद में मिलता। अच्छा डक मेल है फीमेल है, डक है फीमेल, इसका क्या होगा, ड्रेक, डक का ड्रेक। अच्छा मधुमक्खी बी, इसका क्या होगा, ड्रोन, डी आर ओ एन। ये इंपॉर्टेंट वाले मैंने रिपीट करा दिया। विजार्ड होता है जादूगर, है ना, और विच होती है जादूगर नहीं, वैसे विच चुड़ैल को भी बोलते हैं, विदार्ड का विच होगा। जार, जो जर्मनी के एक राजा है वो जार बोले जाते थे, स्पेलिंग सी जेड आर होती है जार। जेरीना, जार का जेरीना। फोक्स का विक्सन, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा जाता है फोक्स, इसे हम लोमड़ी समझते हैं, इसका होगा विक्सन, वी आई एक्स ई एन। फोक्स को फीमेल समझते हैं ज्यादातर लोग, लेकिन फोक्स जो है ये मेल के लिए होता है और विक्सन फीमेल के लिए यूज होता है, इसमें बच्चों को बहुत कंफ्यूजन रहता है और गलत हो जाता है। हीरो का हीरोइन, ये तो दुनिया भर को पता है यार, रोज हीरो हीरोइन की बातें करते हैं। कॉमन जेंडर कौन से हैं, मतलब मेल फीमेल दोनों में यूज होता है। पेरेंट भाई, माँ है तो भी पेरेंट, बाप है तो भी पेरेंट। चाइल्ड, फ्रेंड भाई, लड़के का फ्रेंड भी फ्रेंड, लड़की का फ्रेंड भी फ्रेंड, मेरी फ्रेंड है, मेरा फ्रेंड है। पीपल, शिष्य, ये भी कॉमन जेंडर है। सर्वेंट कॉमन जेंडर है। थीफ, रिलेशन, एनिमी, कजिन, कजिन सिस्टर, कजिन ब्रदर नहीं बोलते, ये कई बार ना ग्रामर मिस्टेक भी पूछ ली जाती है, तो कजिन मींस कजिन। पर्सन, ऑर्फन, स्टूडेंट, स्टूडेंट भी कभी मेल फीमेल नहीं होता। बेबी, मोनार्क, मोनार्क मींस बोलते हैं जो चर्च का मोनार्क बोला जाता है, चर्च में जो पादरी होता है। नेबर, पड़ोसी। इन्फेंट, जीरो डे का बच्चा, ये सब न्यूट्रल जेंडर में आते हैं। फिर देखो बगीची एक मैस्कुलिन है और लकड़ी एक फेमिनिन है, अगर हिंदी वर्ड की बात करें। चिल्ड्रन, चिल्ड्रन एक न्यूट्रल जेंडर है, चिल्ड्रन, यंग चिल्ड्रन, है ना, चिल्ड्रन एक कलेक्टिव नाउन है और न्यूट्रल जेंडर में आता है, ना मेल ना फीमेल। ऑब्जेक्ट्स विदाउट लाइफ और ऑफन पर्सोनिफाइड, यदि किसी लाइफलेस ऑब्जेक्ट को पर्सोनिफाइड किया जाए, यानी मानवीकरण किया जाए, तो मेल और फीमेल हो सकते हैं, कैसे मैं आपको बताता हूं, यह बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो जिन ऑब्जेक्ट्स में रिमार्केबल स्ट्रेंथ दिखाई दे, वायलेंस दिखाई दे, हिंसा, मतलब उनके पावर हो, पावर दिखाई दे, तो जैसे सन, सूर्य, समर, गर्मी में भी पावर होती है वायलेंस, विंटर में भी पावर होती है। देखो चार मौसम होते हैं, तो याद रखो समर और विंटर, ये तो मैस्कुलिन जेंडर में आते हैं, और स्प्रिंग और ओटमन को फेमिनिन जेंडर में बोला जाता है, ठीक है, याद रखना, समर और विंटर ये तो मैस्कुलिन जेंडर में आते हैं, सन मैस्कुलिन में आता है, टाइम और डेथ, समय और डेथ भी मैस्कुलिन में आता है, जबकि सन का उल्टा मून,
मून फेमिनिन जेंडर में आएगा, अर्थ तो खैर फेमिनिन जेंडर में ही आता है, धरती हमारी मां है, स्प्रिंग ऑटमन नेचर, नेचर भी फेमिनिन जेंडर है, लिबर्टी जस्टिस मर्सी पीस होप चैरिटी, जिनमें ब्यूटी हो जेंटलनेस हो ग्रेसफुलनेस हो, वो फेमिनिन जेंडर में आते हैं ऑब्जेक्ट, जब वो पर्सोनिफाइड किए जाते हैं। ठीक है, द मून हैज हिडन हर फेस बिहाइंड ए क्लाउड, मून ने अपना फेस, देखो फेस की बात करें ना, मानवीकरण कर दिया, मून का फेस तो होता नहीं, उसने अपना फेस छिपा लिया, तो मून क्योंकि ग्रेसनेस में है, ब्यूटी में आता है। स्प्रिंग, देखो समर और विंटर में उसको लेना आता है, स्प्रिंग हैज स्प्रेड हर मेंटल ग्रीन ओवर द अर्थ, पूरी धरती पे स्प्रिंग ने हरियाली फैला दी अपनी, हर तो स्प्रिंग के लिए पीस हैथ हर विक्ट्रीज नो लेस रेनाउंड देन वर, पीस शांति ग्रेसफुलनेस, तो हर आएगा, पीस ने अपनी विक्ट्री की और वो वार से अच्छी होती है पीस शांति। ए शिप इज स्पोकन एज सी, शिप याद रखो, शिप के लिए हर आता है, ये फीमेल में माना जाता है, फेमिनिन जेंडर में माना जाता है शिप। अब याद करो किन में ई डबल एस लग के फेमिनिन जेंडर बन जाता है, ऑथर में लेखक में, बैरन, बैरन होता है लो रैंक का आदमी बैरनेस, काउंट फोनन आदमी काउंटेस, जाइंट दानव, जाइंट क्या बोलते दानव, जाइंटेस होस्ट, जैसे कोई पार्टी होस्ट करता है, या आपने देखा होगा जैसे कि कोई ऑस्कर अवार्ड होस्ट कर रहा है, एक होती है होस्टेस, अगर लेडी करती है तो होस्टेस। आयर, आयर मींस देखो हायर नहीं है ये, क्या बोला जाता है आयर, आयर मींस उत्तराधिकारी, आयरस होगा, आयर का आयरस होगा। ज्यू यहूदी ज्यूएस, लॉयन लॉयनेस, मैनेजर मैनेजरेस, मैनेजरनी नहीं, हम क्या बोलते हैं मैनेजर और मैनेजर नहीं समझ रही अपने आप को, तो मैनेजर नहीं कोई वर्ड नहीं होता, मैनेजरेस। मेयर जो चेयरमैन होता है, जैसे मेरठ, मेरठ एक मेट्रो सिटी है, मेट्रो सिटी के मेयर होते हैं, चेयरमैन नहीं होते, मेयरेस। पैटर्न होता है प्रमुख कस्टमर, किसी किसी शॉप का मुख्य कस्टमर, पैटर्नेस। पियर, आयरलैंड में सज्जन व्यक्ति को पियर बोलते हैं, पियरस। पोएट, पोएट का पोएटस, कवियत्री है ना। प्रिस्ट पंडित जी, प्रिस्टस, हिंदू पंडित जो होते हैं प्रिस्ट, प्रिस्टस। प्रोफेट पैगंबर, प्रोफेटस। शेफर्ड गडरिया, सेफेड्रेस, ये इंपॉर्टेंट है, शेफर्ड गडरिया वाला कई बार पूछा जाता है। स्टीवार्ड, एरोप्लेन में जो वेटर होता है उसे स्टीवार्ड और स्टीवार्डेस बोलते हैं, वेटर नहीं बोलेंगे, वेटर कमिया, स्टीवार्ड बोलते हैं एरोप्लेन के वेटर को। विस्काउंट, विस्काउंट होता है विस्काउंटेस, ब्रिटिश नोबल पर्सन को विस्काउंट बोलते हैं। अब देखो कुछ अपवाद भी है, नोटा भीम, एन डॉट बी डॉट का मतलब अपवाद, ई डबल एस तो लगा लेकिन पहला वोवल हट गया, देखो एबटस, एबट मींस होता है मोंको का हेड, मोंक्स जो मोंक होते हैं बौद्ध धर्म के उनका हेड, जैसे दलाई लामा है एबट, और वो फीमेल है तो एबेस। एक्टर देखो ओ हट गया और ई डबल एस लगेगा, एक्ट्रेस। बेनिफैक्टर, बेनिफैक्ट्रेस, पिछला वोवल हट गया, कंडक्टर कंडक्ट्रेस, पिछला वोवल हटा दिया। एंचेंटर एंचेंट्रेस, क्रूअल मैजिशियन है ना, दुष्ट जादूगर, कंडक्टर याद है ना रजनीकांत कंडक्टर थे, कंडक्ट्रेस। ठीक है, और फिर एम्परर एम्प्रेस है ना, एम्प्रेस। फाउंडर फाउंड्रेस, एम्परर क्या होता है शासक, फाउंडर जो स्थापित करता है किसी को। हंटर शिकारी, हंट्रेस मतलब पिछला वो बोल हट रहा है। इंस्ट्रक्टर इंस्ट्रक्ट्रेस, जो इंस्ट्रक्शन देता। मर्डरर जो कत्ल कर दे, मर्डरेस। नीग्रो अफ्रीका के हब्सी लोगों को बोलते हैं नीग्रो, निग्रेस। प्रिंस ये तो कई बार पढ़ा होगा, देखो इसमें ई आया हुआ है तो हटेगा, ये तो हट गया, ई डबल एस लग गया। प्रिंसेस, प्रिसेप्टर, प्रिसेप्टर का मतलब था टीचर, प्रिसेप्ट्रेस। ठीक है, सॉन्गेस्टर
ई हटा दो, सॉन्ग एट स्ट्रेस यानी गायिका। सिनेस्टर या जो कपड़े सिलता है यानी दर्जी, सिनेस्ट्रेस दर्जन। सोर्सर जादूगर, सोर्सरेस जादूगरनी। टेम्प्टर जो यार अट्रैक्टिव पर्सन, बिल्कुल शानदार पर्सन हो, टेम्प्ट्रेस बोलते हैं उसको। टाइगर, टाइगर का होगा टाइग्रेस, ई हटा के ई डबल एस लगा दिया, टाइग्रेस। ट्रेटर देखो लॉयन में नहीं हटता, लेकिन ध्यान रखना कभी लॉयन का भी हटा दो, लॉयनस होगा। कभी इसका कहो कि वोवल हटाएंगे, लाइनस नहीं होगा, टाइगर में होगा, ये गलत है। तो ये आपको क्लियरली ऑब्जर्व करने पड़ेंगे, दो तीन बार, एक बार इस वीडियो को देखना शुरू से अंत तक याद हो जाएगा। वेटर का वेटरेस, ठीक है, वेटर का वेटरेस। फिर है ड्यूक, ये बिल्कुल अलग वर्ड है, ये अलग लैंग्वेज है। ड्यूक का डचेस, ड्यूक ऑफ स्कॉटलैंड, स्कॉटलैंड में ड्यूक बोला जाता था रानी को, डचेस बोला जाता है। मास्टर, हाँ आप क्या कहोगे, मास्टरनी लिख दो सर जी, मास्टरनी, मास्टरनी नहीं होता कुछ भी, मिस्ट्रेस होता है। मास्टर हिंदी में हम मास्टर जी कहने लगे, मास्टर जी नमस्ते, मास्टर मींस टीचर, इसका होगा मिस्ट्रेस। ये एक इंग्लिश वर्ड है। मेरकुइस, मेरकुइस मीन सज्जन व्यक्ति जो होते हैं, फ्रेंच में तो बोलते हैं मेरकुइस। मैरचिनोस, इधर बोलते हैं मैरचिनोस। एडमिनिस्ट्रेटर प्रबंधक, एडमिनिस्ट्रेटरिक्स। एग्जीक्यूटर जो किसी विल, जैसे कोई अपनी विल करता है उसकी देखभाल करता है, एग्जीक्यूटर, एग्जीक्यूटरिक्स बोला जाता है। सिग्नर, सिग्नोरा इटली के राजा को बोलते हैं। सुल्तान, सुल्ताना, 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 मेरा नाम है सुल्ताना, है ना, गाना सुना होगा ना, मेरे हुस्न का हर अंदाज मस्ताना। सुल्तान अरेबियन राजा को, सुल्ताना अरेबियन रानी। टेस्टेटर, टेस्टाट्रिक्स। देखो ओ आर आ रहा हो तो आर आई एक्स बना देते हैं, ओ आर का आर आई एक्स। एडमिनिस्ट्रेटिक्स, एग्जीक्यूटरिक्स, टेस्टेट्रिक्स। जो विल बनाता है तो टेस्टेटर, और जो विल की देखभाल करता है वो एग्जीक्यूटर कहलाता है। क्लियरली ऑब्जर्व कर लीजिए नियर नियर। बुल काफ को काऊ काफ, कोक स्पैरो हैन स्पैरो, वर्ड बदल दिया। ही बियर का शी बियर, ही गोट का शी गोट, बकरा बकरी, है ना। ग्रेट अंकल यानी कि दादा, चाचा, दादा वाले चाचा, ग्रेट आंट। ग्रैंड फादर, ग्रैंड मदर। जैकेस, जैकेस होता पक्का गधा। और जैनी एस, तो भाई अगर किसी को, अगर आप जैनी कहोगे तो समझ लेना क्या कह दिया आपने। जैक और जैनी क्या होता है, जैक और जैनी। लैंडलॉर्ड का लैंडलेडी, मैन सर्वेंट का मेड सर्वेंट, मेड सर्वेंट। मिल्क मेड आपने सुना होगा ना, दूध वाली, दूध वाला और दूध वाली, दूध वाली के लिए मिल्क मेड होता है। मिल्क मेड एक ब्रांड भी आता है नेस्ले का, और इससे लड्डू बनाए जाते हैं नारियल के, बहुत बढ़िया। पीकॉक, पीहेन मुर्गा, अब मतलब ये मुर्गा नहीं है, ये मोर है, अब मोरनी को पीहेन बोलेंगे। वाशरमैन, वाशर वुमेन, धोबी और धोबन, ठीक है ना। ये मैंने आपको बहुत सारे के सारे याद कराए, मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये बहुत अच्छी तरह से याद हुए होंगे, नाउंस के मैस्कुलिन और फेमिनिन बनाना। जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दिए, ए टू जेड करियर्स यूपी पीजीटी पीजीटी की तैयारी के लिए, और जबरदस्त तरीके से रोज आना। मैं आपको तीन टाइम ये वीडियो दे रहा हूं, सुबह 10 बजे हम पेपर डिस्कस करते हैं, दिन में 3 बजे हम डिस्कस करते हैं स्पेशल किसी राइटर को, और रात को 8 बजे डिस्कस करते हैं हम ग्रामर के पोर्शन को या वोकेबलरी पावर को, वर्ड पावर को, यह भी उतना ही इंपॉर्टेंट है। तो मेरा चैनल अच्छा लगा है तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल वाला आइकन दबाइए जल्दी से। मैं उम्मीद करता हूं कि आपके कसौटी पर जरूर खरा उतरेगा मेरा चैनल, और मेरी वीडियो जरूर आपके काम आएगी। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, सी यू अगेन, सायोनारा। और सब्सक्राइब करना और बेल वाला आइकन दबाना मत भूलना भैया। ओके।